गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं अपनी टूटी हुई सैंडल को रिपेयर करने वाली हूँ और उसे बनाने वाली हूँ पहले से ज़्यादा स्टाइलिश। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला पार्ट कट करके निकाल देंगे। तो दोनों को हमें कट करके अच्छी तरह से निकाल देना है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लूगन की स्टिक, क्योंकि मेरी ग्लूगन ख़राब हो गई थी। तो मैं कैंडल से इसे थोड़ा सा हीट करके सैंडल पर लगा दूंगी। तो आप भी ये हैक ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है आपके लिए भी, अगर आपकी ग्लूगन ख़राब हो गई है। तो पूरे पर अच्छे से लगा देने के बाद हमें इसको चिपका देना है। तो पूरे को अच्छे से चिपका देने के बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ राइनस्टोन चैन, जो कि आपको मीशो में बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। देन फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये फैब्रिक ग्लू, क्योंकि फैब्रिक ग्लू में कोई भी स्टोन वगैरह बहुत ही अच्छे से चिपकते हैं और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो सैंडल के सेंटर पर ग्लू को अच्छे से लगा देना है और उस पर राइनस्टोन चैन अपना चिपका देना है। तो मैं इस पर 3 लाइन्स चिपका रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर टेलरिंग, DIYs और हैक वगैरह के वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुंच पाए। तो इसके एक लाइन में हमने स्टोन को अच्छे से चिपका दिया है। देन फिर दूसरी लाइन पर भी हम ग्लू लगाएंगे और उस पर भी स्टोन को अच्छे से चिपका देंगे। देन फिर स्टोन्स के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। मैं ली हूँ 9 स्टोन और 2 स्टोन के 2 अलग अलग पीसेस कर लेने हैं। देन फिर इसके मिडिल में हमें ग्लू लगा देना है और उस पर अपने स्टोन्स को चिपकाएंगे। तो सबसे पहले छोटी वाली पीसेस को हमें 2 पीसेस अटैच कर देने हैं। देन फिर एक बड़ी वाली इस पर अटैच करनी है। सेम फिर से हमें 2 छोटी वाली पीसेस अटैच कर देनी है। देन फिर एक बड़ी वाली अटैच करनी है। तो इसी तरह से हमें पूरे पर रिपीट करते जाना है। इस तरह के सैंडल्स आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं। आप भी अपनी टूटी हुई सैंडल को ना फेंक कर इसको रिपेयर कर सकते हैं और पहले से ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। तो हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बातों बातों में मेरा तो सैंडल बनकर तैयार हो गया है और ये रहा उसका फाइनल लुक। तो देखिए मेरा सैंडल पहले से ज़्यादा कितना गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि सैंडल कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।